एक लाइव सिचुएशन है वो यहाँ पर इस वक्त भी बना हुआ है और हमने देखा है कि किस तरह से सुरक्षा बलों ने घेरा लिया हुआ है। ये देखने की कोशिश की जा रही है कि कोई और व्यक्ति यहाँ पर फंसा ना हो, कोई बच्चा ना हो, और यहाँ पर जो एरिया है उसको अब सैनिटाइज किया जा रहा है। जाहिर सी बात है ये जो आप एरिया आपको नजर आ रहा है इस वक्त ये घेरेबंदी में है, लेकिन कुछ लोग हैं जान पे खेल के ही सही लेकिन ऊपर हैं। हम सजेस्ट नहीं करेंगे कि ऊपर वहां पे क्लोजअप पे जाया जाए, लेकिन ऐसा बोला जा रहा है एक और आईडी मिली है, लेकिन देखने वाली बात होगी कि यहाँ पर कुछ और धमाका ना हो। जाहिर सी बात है कुछ प्लानिंग के साथ वो आतंकी जरूर आए थे और इसी वजह से आप माने 7 बजे की घटना है जब ये पहली फायरिंग हुई है, जिसके बाद 3 घरों में आतंकी गए हैं और पीछे वो विस्फोटक छोड़ गए हैं। यहाँ पे पोजीशंस ली हुई हैं, लेकिन काफी लोग आगे भी खड़े हैं जो कि बिल्कुल सेफ नहीं है। आपको ये भी बता दें यहाँ एरिया जो है वो पूरा सैनिटाइज करने वाला है और बच्चों को हमने देखा किस तरह से चीखते चलाते हुए यहाँ पर गए, लेकिन उनको सुरक्षित बाहर निकाला गया है। हादसे में जो नया आईडी ब्लास्ट हुआ है उसमें कम से कम 4 लोग घायल जरूर हुए हैं और अस्पताल में अगर हम बात करें यहाँ पर इस एरिया को अब क्लियर करने की कोशिश की जा रही है, पर अपने आप में सवालिया निशान जरूर है कि इतने घंटों के बाद अगर आईडी हुआ है तो वो कैसे हुआ है और कौन जिम्मेदार है, क्योंकि एक प्रोटोकॉल होता है, एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर होता है जो कि हर केस में किया जाता है। अब लोगों को पीछे करते हुए सुरक्षा बल और खास तौर पे एक आउटर कॉर्डन भी किया गया है, लेकिन जी, अब वो जरा हर एक घर पे पूरा घटनाक्रम जरा समझना चाह रहे हैं। ये कितने बजे ये आतंकी पहुंचते हैं यहीं पर जो घर मौजूद हैं, कितने बजे हमला करते हैं, उसके बाद प्रोटेस्ट अलग अलग जगह जैसा आप कह रही हैं चौक पर चल रहा था, यहाँ जहां पर ब्लास्ट हुआ है यहाँ पर भी प्रोटेस्ट चल रहा था, एक एक घटनाक्रम जरा बताइए विस्तार से। आपको ये बता दें कि जो पहला घर जहां पे आतंकी घुसे थे वो ये वाला घर था और ऐसा लोग बोल रहे हैं कि एसयूवी में गए थे, एसयूवी में नहीं गए थे, उन्होंने खाकी के कपड़े पहने हुए थे और आपको यहाँ पे बता दें जब वो आए तो हो सकता है वो पहाड़ के रास्ते आए हो, लेकिन किस घर में जाना है वो उनको पता था। ये पूरा एक हिंदू डोमिनेटेड इलाका है यहाँ पर। अब अगर हम बात करें पहले घर में गए उसके बाद वहां पे गोली मारी गई, प्रिंस और दीपक नामक के 2 भाई हैं जिनके गोली लगी, दीपक की हत्या हो गई। दूसरा घर यहाँ से कुछ ही दूर है, हम वहां पे आपको दिखाने की कोशिश करते हैं, ज्यादा दूर नहीं है। उसके बाद वहां पे जाके आधार कार्ड मांगा गया, यानी 5-7 मिनट बाद ही आतंकी पैदल चल के वहां पे पहुंच गए। और उसके बाद जो तीसरा घर है जहां पे खून की होली खेली गई, क्योंकि वहां पे जबरदस्त फायरिंग की गई और खून के दाग वहां पे हर जगह लगे हैं, यहाँ तक जो टीवी है उसमें भी है और उसके दीवार पे भी काफी सारी गोलियां के दाग लगे हुए हैं। और वहां पे जो सतीश हैं, एक्स सर्विसमैन हैं, रिटायर हो चुके थे, उनको उनकी गोली मार के हत्या कर दी गई, उनकी पत्नी को भी चोट लगी है। और अब यहाँ पर एक सिचुएशन बनी है जहां पर सुरक्षा बल, एक बार फिर आपको बता दे यहाँ पर लोग इतना सहम गए थे रात को कि कोई अपने घर से निकला नहीं, लोगों की चीखने चिल्लाने की आवाज आई लेकिन कोई घर से गया नहीं। लेकिन अब क्योंकि एक दिन बीत चुका था, लोग जब आहिस्ता आहिस्ता 2 बजे के बाद बाहर निकले और पता चला कि इतनी बड़ी घटना हो गई है, सुरक्षा बल आई, उसके बाद वो बाहर निकल पाए। लेकिन आज सुबह सुबह जिस तरह से लोगों ने चौक पे घेराबंदी की है, वहां पे एक जवाबदेही मांगी जा रही है कि किस तरह से जो सुरक्षा बल हैं या फिर सिक्योरिटी फोर्सेज हैं क्या वो अकाउंटेबल है, और जिस तरह के दावे किए जा रहे हैं इस वक्त कि किस तरह से माहौल है वो जो बात की जा रही है। तो इस वक्त अगर हम आपको बता दें यहाँ पे सुरक्षा बल अपनी पोजीशन लेते हुए, और यहाँ पर हमने लगातार देखा है कि 12 घंटे से ज्यादा हो चुके हैं और अब इस पूरे घर को घेर लिया गया है और यहाँ पर लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर आप यही के निवासी हैं? जी नहीं, मैं रजौरी से हूँ, यहाँ मेरे भतीजे रहते हैं जिनकी डेथ हुई है और अभी 6 बच्चों को हमने उसी कमरे से निकाला है जहाँ पर अभी आईडी ब्लास्ट हुआ है। अभी ये आर्मी वाले ने हमें नीचे भेज दिया, 2 बच्चे मिसिंग है हमारे, तो आर्मी एक लगी हुई आईडी एक घर में। कहाँ मिल गई आईडी? आईडी मिल गई है, आर्मी वाले ने हमें नीचे भेज दिया है और हमें ऊपर जाने की इजाजत दे रही है। ठीक है कमल जी, आप रहिए जरा।